अस्सलामु अलैकुम। ईद स्पेशल बिरयानी में बस ये सीक्रेट मसाला पाउडर ऐड कर दें और आपकी चिकन दम बिरयानी इतनी मज़े की बन जाएगी कि आप इसका टेस्ट ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। और जब आप मेहमानों को बना के खिलाएंगे ये चिकन बिरयानी, आपको कहने लगेंगे वो किचन की रानी। तो क्यों ना इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कुक विद फेम चैनल को, अगर आपने अभी तक किया नहीं है तो। बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, ऑल सेलेक्ट कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। चिकन दम बिरयानी बनाने के लिए हम घर पर ही स्पाइसेस पीस के अगर ये फ्रेश मसाला बिरयानी में यानी चिकन में डालेंगे तो बिरयानी बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगी। आप भी कोशिश करें कि घर पर ही स्पाइसेस पीस के बिरयानी में डालें। तो देख लेते हैं स्पाइसेस। साबुत काली मिर्च 1 टीस्पून, शाजीरा 1 टीस्पून, धनिया 2 टेबलस्पून, दालचीनी के देखिए इस तरह से 3 बड़े साइज के पीसेस, 3 तेजपत्ता, 2 चक्रफूल, 1 टीस्पून जीरा, हरी इलायची 8, 12 लौंग, बड़ी इलायची 2, 1 जावित्री का पीस और 1 जायफल का छोटा सा पीस ले लें इस तरह से, 10 लाल सूखी मिर्च, 8 बादाम, 8 काजू, तिल 1 टीस्पून। इन सभी को एक पैन में डाल लें। इन्हें हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लें और मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए यानी 2 मिनट के लिए इन्हें रोस्ट करना है, जलाइए मत। इनमें से अगर आपके पास 1 या 2 स्पाइसेस नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इस तरह से मसाला घर पर ही पीस के डालने की। अगर आप इस तरह से नहीं बना सकते घर पर तो बिरयानी मसाला पाउडर 2 टेबलस्पून भर के डाल दें चिकन में मैरिनेट करते वक्त। ये मसाले तो रोस्ट होके रेडी हैं, फ्लेम बंद कर दें, इन्हें ठंडा कर लें। ठंडा होने के बाद मिक्सर के जार में डाल के पीस लें। पानी मत डालिए, हमें ड्राई पाउडर चाहिए। पिसा हुआ खुशबूदार पाउडर हमारा रेडी है। नेक्स्ट हमें चाहिए 1 किलो चिकन। चिकन के पीसेस मीडियम साइज में कट कर लें। अब हम इसमें ये पाउडर डाल देते हैं। 4 टेबलस्पून फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़े साइज के नींबू का रस, हल्दी डाल दें 1 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून। मैं स्टैंडर्ड मेजर से यूज करती हूँ। सभी इंग्रेडिएंट्स मेजर करने के लिए बहुत से लोगों को डाउट होता है कि मैं ये यूज करती हूँ या नहीं। आप लोगों को 1 टीस्पून ज्यादा लगता है, लेकिन याद रखिए ये हल्दी 1 टीस्पून भर के ही थी। आप भी इस तरह से खरीद लें, आसानी हो जाएगी और आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। 5 हरी मिर्च मैंने थोड़े से दही के साथ पीस लिया था, इसे भी डाल दें, थोड़ा मतलब 2 टेबलस्पून दही। अब चिकन के साथ ये इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लें। चिकन के साथ ये सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। आधा घंटा हो चुका है, इसमें 400 ग्राम दही डाल दें। 5 मीडियम साइज की प्याज बारीक काट के इस तरह से डीप फ्राई करके रख लें और इनका वजन 330 यानी 330 ग्राम था। मैंने थोड़ी सी प्याज गार्निशिंग के लिए भी साइड में रख दी है। अगर आपको प्याज कैसे फ्राई करते हैं इसका वीडियो चाहिए तो जस्ट टाइप करें फ्राइड अनियंस या तली हुई प्याज बाय कुक विद फेम, आपको वीडियो मिल जाएगा। इसे थोड़ा सा क्रश करके डाल दें। आधा कप तेल डाल दें, ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी। 1 टेबलस्पून घी डालिए, मुट्ठी भर पुदीने के पत्ते, 2 मुट्ठी धनिया के पत्ते डाल दें, थोड़ा सा काट के डालिए। चलिए इंग्रेडिएंट्स तो खत्म हो चुके हैं, इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लें। चिकन के साथ तो सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, इसे हम फिर से आधे घंटे के लिए रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए। इस तरह से मैरिनेट करने से ही मसाले चिकन के अंदर तक एंटर होते हैं और चिकन यानी बिरयानी का चिकन अंदर से भी बहुत जूसी और टेस्टी बनेगा। इसके ऊपर लिड बंद कर दें। अभी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, आप लोग भी ऐसे ही जरूर ट्राई करें यानी घर पर मसाले पीस के बनाने का ट्राई करें। आधा घंटा हो चुका है,
इस पैन को हम हाई फ्लेम पे रख देते हैं और हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से इसे पका लें। 4 से 5 मिनट या इससे ज्यादा वक्त भी लग सकता है। इनमें जो मसाले हैं इनकी कच्ची भुजाने तक हमें भूनते रहना है। इसी दौरान हम चावल यानी बासमती चावल भी धो के रेडी रख लेते हैं। ये 1 किलो बासमती चावल है, इसे 3 से 4 बार अच्छे से धो के 1 घंटे के लिए भीगने रख दें पानी में। इसे हाई फ्लेम पे भूनते वक्त ख्याल रखिए नीचे से ना पकड़े, क्योंकि इसमें बादाम और काजू का पेस्ट है। नीचे से इस तरह से करते जाइए और नॉन स्टिक का यूज करें, बेहतर होगा। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, 5 से 6 मिनट। अब हम फ्लेम को लो पे रख देते हैं, इसके ऊपर लिड बंद कर दें और चिकन 80% तक गलने तक इसे लो फ्लेम पे पकाते जाइए। क्योंकि 1 किलो चिकन है, 80% मतलब 15 मिनट्स के बाद ओपन करके देख लें। चिकन ना ज्यादा सॉफ्ट ना ज्यादा हार्ड यानी सख्त होगा, तब इसका मतलब है 80% गल चुका है। हड्डी अगर गोश्त से अलग हो रही है तो वो कम्प्लीटली गल चुका है, वैसा नहीं चाहिए हमें चिकन। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा 70-80% तक गल चुका है। इसमें देखिए पानी कितना निकला है। अब फ्लेम को हाई पे रख के इसे सुखा लें। ये अच्छे से ड्राई हो चुका है, फ्लेम बंद कर दें। इसका जो पानी है ये खत्म हो गया है, देखिए तेल साइड्स में आ गया है, इसका मतलब ये है कि ये रेडी है। चलिए अब हम चावल की तैयारी शुरू कर लेते हैं। चिकन की ग्रेवी तो हमारी रेडी है। अब एक बड़े से वेजल में हम 2 से 3 लीटर पानी ले लेते हैं, फ्लेम को हाई पे रख दें और इसमें उबाल आने दें। जो स्पाइस पाउडर हमने स्टार्ट में बनाया था उसमें मैंने 1 टीस्पून साइड में निकाल के रख लिया था। अब इस पानी में हमें होल स्पाइसेस यानी साबुत स्पाइसेस डालने की जरूरत नहीं है, बस ये पाउडर ही काफी होगा। इसी से चावल में अच्छी खुशबू आ जाएगी। अब इसमें उबाल आ चुका है, ये डाल दें। आधे नींबू का रस डालिए, थोड़ा सा तेल, 1 टेबलस्पून, 7 टीस्पून नमक, मिक्स कर लें। अब इसमें भीगने रखे हुए चावल डाल दें। चावल डालने के बाद फिर से 1 से 2 बार मिक्स कर लें। फ्लेम को हाई पे रखिए, स्पून ज्यादा मत डालिए। थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते डालिए, 4 हरी मिर्च थोड़ा सा स्लिट करके यानी इस तरह से काट के डाल दें। फ्लेम को हाई पे रख लें और चावल को पकाइए। इसे मैं बस 3 से 4 मिनट के लिए ही पकाती हूँ हमेशा। 4 मिनट हो चुके हैं, चावल हमारे 70-80% तक पक चुके हैं, इतना काफी है। फ्लेम बंद कर दें और ये पानी निकाल दें यानी इसे फिल्टर कर लें। चावल देख लें आप, बहुत अच्छे से खिले खिले बने हैं। अब हम इसकी लेयरिंग कर देते हैं। एक वेजल ले लें और इसमें पहला लेयर चावल का बना लें। नेक्स्ट इसके ऊपर चिकन का लेयर बना दें, फिर से चावल का लेयर, चावल के लेयर के ऊपर फ्राई की हुई प्याज डाल दें, थोड़े से कटे हुए बादाम और काजू। मैंने दूध में 2 चुटकी येलो फूड कलर और थोड़ा सा जाफरन मिक्स किया है, इसे डाल दें। और थोड़े से पानी में 3 से 4 चुटकी रेड फूड कलर, जैसे धनिया और पुदीने के पत्ते। फिर से इसके ऊपर चिकन का लेयर बनाए, फिर चिकन के ऊपर चावल का लेयर, उसके ऊपर फिर से ये सब चीजें डालें। ऐसे ही कंटिन्यू करते जाइए। अब ये चावल का आखिरी लेयर है, इसके ऊपर फिर से डालिए धनिया और पुदीने के पत्ते, फ्राई की हुई प्याज, बादाम काजू कट करके, जाफरान मिला हुआ दूध, रेड फूड कलर,
ये ऑप्शनल है, और आखिर में इसमें घी डाल दें 2 टेबलस्पून। चावल का पानी थोड़ा सा निकाल के रख लें इस तरह से, इसे भी डाल दें। अब इसे सील कर दें एल्यूमिनियम फॉइल से या गूंदे हुए आटे से। अब हाई फ्लेम के ऊपर एक पुराना तवा अच्छे से गरम कर लें। तवा गरम हो चुका है, ये वेजल इसके ऊपर रख दें। तवे के ऊपर वेजल रखने के बाद हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए पकने दें। 3 से 4 मिनट के बाद फ्लेम को लो पे रख दें 20 से 25 मिनट के लिए। इसके बाद हमारी बिरयानी अच्छे से पक जाएगी। ये वेजल तवे के ऊपर रखिए, याद रखिए बात। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम को लो पे कर दें अब, और बीच बीच में वेजल का पोजीशन चेंज करिए। दही की चटनी के लिए एक बाउल में दही ले लें। आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं, 200 ग्राम या 250 ग्राम या 1 कप, ये 1 कप से थोड़ा ज्यादा है। इसे पहले अच्छे से बीट कर लें। दही को अच्छे से बीट करने के बाद हम इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। सबसे पहले इसमें डालिए बारीक कटी हुई प्याज 1 बड़े साइज की, थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते, कटा हुआ टमाटर या आधा टमाटर है बीज निकाल के डालिए, 1 या 2 कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक। अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल दें। मेरा ये जो दही है ज्यादा खट्टा नहीं, इसीलिए मैं डाल रही हूँ। खट्टा है तो ये स्टेप स्किप कर दें। इसे अब मिक्स कर लें अच्छे से। बहुत ही इजी और झटपट बनने वाली दही की चटनी भी हमारी रेडी है। आप चाहें तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं, थोड़े लोग डालते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गाढ़ी अच्छी लगती है। 25 मिनट हो चुके हैं, लिड निकाल के अब ये एल्यूमिनियम फॉइल ओपन करके देख लेते हैं। बहुत केयरफुली निकालिए, बहुत गर्म होता है। गर्मा गर्म बिरयानी तो रेडी है, इस तरह से स्टीम निकल रही है, इसका मतलब यह है कि परफेक्टली डन है। देख लेते हैं कैसी बनी है। अरे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस ईद आप ये मजेदार चिकन दम बिरयानी विद सीक्रेट सुपर टेस्टी मसाला पाउडर के साथ जरूर ट्राई करें। सभी को बहुत पसंद आने वाली है ये मजेदार बिरयानी। हैदराबादी शादियों में ये खीर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, हर शादी में इसे सर्व किया जाता है, और इसका नाम है ज़ाफ़रानी खीर, हैदराबादी फेमस ज़ाफ़रानी खीर। इसे केसरिया खीर भी आप कह सकते हैं। बहुत आसान है इसे बनाना। इंडिपेंडेंस डे स्पेशल डेजर्ट है ये, आप लोग ज़रूर बनाएं और एंजॉय करिए इंडिपेंडेंस डे। ऐसे ही बहुत सारे मज़ेदार रेसिपीज मैं लेके आती रहूँगी। अगर आपने अभी तक चैनल कुक विद फेम सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। यह हैदराबादी फेमस ज़ाफ़रानी खीर बनाने के लिए सबसे पहले 4 टेबलस्पून भर के बासमती चावल आधे घंटे के लिए पानी में रख दें भीगने के लिए। इसमें 12 बादाम 12 पिस्ता डाल दें, छिलका निकाल के डालिए। चावल बादाम पिस्ता इन तीनों को साथ में पीस लें। ये पिसा हुआ पेस्ट अब रेडी है, इसे ज्यादा बारीक नहीं इस तरह से दरदरा सा पीस लें। देखिए अब नेक्स्ट आधा कप दूध ले लें और इसमें 1/2 टीस्पून जाफरान डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। इसे साइड में रख दें। अब खीर बनाने का नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें एक पैन चाहिए और इसमें डालिए 1.5 लीटर दूध, गाढ़ा दूध ले लें। फ्लेम ऑन कर दें। इसमें 1 उबाल आने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लें। दूध में उबाल आ चुका है, इसे 4 से 5 मिनट के लिए पका लें। दूध को अच्छे से पकाने के बाद इसमें ज़ाफ़रान मिक्स किया हुआ दूध डाल दें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी मिक्स कर सकते हैं, येलो फूड कलर, जिससे खीर में बहुत अच्छा कलर आ जाता है। रेस्टोरेंट्स में
जाफरान के साथ साथ फूड कलर भी मिक्स करते हैं। अब पकाते जाइए, तभी अच्छा कलर आएगा जाफरान का। इसमें जाफरान डाल के अच्छे से पकाने के बाद 2 या 3 मिनट के लिए इसमें इलायची पाउडर डाल दें 1 टीस्पून। 3 से 4 इलायची क्रश करके भी आप डाल सकते हैं। इसे भी डाल के 1 मिनट के लिए पका लें। नेक्स्ट इसमें ये चावल और नट्स का पेस्ट डाल दें। चावल और नट्स का पेस्ट डालने के बाद फिर से इसे पका लें। चावल सॉफ्ट होने तक, बहुत आसानी से सॉफ्ट हो जाते हैं। चावल भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें अब हम शक्कर डाल देते हैं। पहले 150 ग्राम डालिए, अगर आपको फीका लगे तो और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। मिक्स कर लें और पकाते जाइए। अच्छे से पकाना है हमें शक्कर की कच्ची बुझाने तक। शक्कर डालने के बाद ये फिर से पतला हो जाता है, इसे पकाइए ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। बहुत ज्यादा गाढ़ा भी ना करें और ना ज्यादा पतला, परफेक्ट कंसिस्टेंसी चाहिए हमें खीर की। इस तरह से अच्छे से मिक्स करते जाइए, वरना लम्स फॉर्म हो जाएंगे। शक्कर अच्छे से घुलने के बाद इसमें डालिए 100 ग्राम खोआ। आप चाहें तो 150 ग्राम भी डाल सकते हैं। खोआ ना हो तो 100 ग्राम मिल्क में यानी कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें और पकाते जाइए। ये सभी इंग्रेडिएंट्स डालने से खीर हमारी अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। मिक्स कर लें। खीर हमारी अच्छे से पक चुकी है, गाढ़ी भी हो चुकी है। इतनी कंसिस्टेंसी काफी है हमें, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी और भी ज्यादा गाढ़ी हो जाती है। अगर आपको और ज्यादा गाढ़ी चाहिए तो और थोड़ी देर पका लें, या आप इसमें वेनिला फ्लेवर्ड कस्टर्ड पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं 2 या 3 टीस्पून, अगर आपको गाढ़ी खीर चाहिए तो। वरना ये कंसिस्टेंसी ही सही है हमारे लिए। देखिए आखिर में इसमें थोड़े से चॉप किए हुए नट्स डाल दें, बादाम, पिस्ता, काजू, ज्यादा पसंद तो ज्यादा डालिए, कम पसंद तो कम डालिए। सर्व करते वक्त भी डाल के सर्व करें। मिक्स कर दें। मिक्स करके 1 मिनट के बाद फ्लेम बंद कर दें। फ्लेम बंद करने के बाद इसमें आखिर में 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डाल दें, इसकी अच्छी खुशबू आती है, और मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इसे ठंडा कर लें, और जब खीर ठंडी हो जाएगी इसे रेफ्रिजरेटर में 2 से 3 घंटों के लिए रख दें। जब आप इसे ठंडी खाएंगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। गर्म भी खा सकते हैं, लेकिन ठंडी खीर की बात ही कुछ और होती है। है ना बहुत ही ज्यादा यमी डेजर्ट जाफरानी खीर यानी केसरिया खीर। आपको पसंद आई कमेंट में बताएं मुझे, लाइक करें अगर वीडियो पसंद आए, और इस वीडियो के लिंक को शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते चैनल कुक विद फेम ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ऑल भी सेलेक्ट कर लें, तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे, वरना नहीं।